नमो तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमो संपत्ति प्रदायिनी। नागलक्ष्मी, हाँ? पार्वती के घर पे शिव मंत्र का कार्यक्रम है, तुम आ रही हो ना? हे शारदा, जिसको बच्चा नहीं है उसको शुभ कार्य में थोड़ी ना बुलाते हैं। अरे हाँ, क्या है ना, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। नागलक्ष्मी, क्यों बुरा मान रही हो तुम? हाँ, पार्वती के घर पर शिव पूजा है पर मैं वहां नहीं जा सकती। हमें पुत्र नहीं हो रहा है, मैं नास्तिक हूं इसलिए मुझे पता है, तो क्या हमें जीना छोड़ देना चाहिए क्या? तुम्हारे जैसे मुझे भी दुख होता है नागलक्ष्मी। सुनिए, सुब्रमण्यम शास्त्री को मेरी जन्म कुंडली भेजी आपने, क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी तो जन्म कुंडली है नहीं, मैं अपनी जन्म कुंडली देकर के आया हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं घर आकर के बताऊंगा। अनंत राय, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूँ। नमस्ते, आइए स्वामी जी, चलिए अंदर आइए। नहीं नहीं, अभी नहीं, पास के गाँव में नामकरण है, मुझे वहाँ जाना है। आपके कहे अनुसार आप दोनों की जन्म कुंडली देख ली, आप दोनों की जन्म कुंडली में सर्प दोष है। आप लोग चिंता मत करिए, श्री मुक्तिनाथ सुब्रमण्यम क्षेत्र में नाग प्रतिष्ठा करेंगे तो संतान प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे वही होगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाग देव की दया से अगर मुझे बच्चा हो गया तो मैं खुद को नाग देव को ही समर्पित कर दूंगी। नागलक्ष्मी? हाँ जी, गांव के सभी लोग मुझे बांझ कह के बुलाते हैं, बच्चा हो गया तो और कुछ नहीं चाहिए। औरत के गले में मंगलसूत्र हो तो जीवन नहीं चलता, उस मंगलसूत्र के साथ माँ बोलने वाला एक बच्चा भी जरूरी है। नागलक्ष्मी, सब अच्छा होगा।
नागरत्ना, नागरत्ना। क्या हुआ जी? ये लीजिए। भाई कहाँ है? भाई साहब, आज पंचमी है ना, जल्दी उठकर स्नान करने नदी पर गए हुए हैं। नाग सुंदरी स्कूल गई है ना? जी हाँ, आज सुब्रमण्यम शास्त्री उसे नया श्लोक पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आज थोड़ा जल्दी चली गई। ठीक है, तुम जरा मेरे सामने आओ। आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। नागन्ना, दीन दुनिया से दूर रह के अपने माता पिता की आज्ञा मान के ब्रह्मचार्य व्रत रख के भगवान की सेवा कर रहे हो। तुम्हारी इसी सेवा के कारण तुम्हारे माता पिता की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिलेगी। मेरा सौभाग्य है, ये सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। नागन्ना। स्वामी जी। ओ, धर्मदर्शी शास्त्री। नमस्कार धर्मदर्शी स्वामी जी। लगता है तुम पिछले जन्म में योगी थे, इसीलिए नागम्मा की सेवा में हो। तुम में पूजा करने की लगन है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तुम नागम्मा की पूजा इसी श्रद्धा से करते रहना, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। कृष्णप्पा, तू खाना खा के आ जा। जी मालिक। तब तक मैं चलाता हूँ। जी मालिक। अरे मालिक, आप क्यों कर रहे हैं? मेहनत करने वाला ही मालिक बनता है। चुपचाप बैठे रहोगे तो शरीर में आलस भर जाएगा। सब आपके जैसे सोचते तो देश कितना आगे बढ़ जाता है। मेहनत क्या है, पसीना क्या होता है, ये हर कोई नहीं जानता। और पैसा नहीं जानता कि अमीर के पास रहना है या गरीब के पास नहीं रहना। चलो चलो। इसके भाई नागन्ना भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और अपने शिष्यन्ना धरती को बहुत मानते हैं। चलो। शिव भगवान को नीलकंठ भगवान क्यों बुलाते हैं, तुम बोलो सुंदरी। भगवान शिव जी विष पी लिए थे ना गुरुजी। हाँ। तो वो विष कंठ में ही रह गया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था गुरुजी। इसलिए उन्हें भगवान नीलकंठ भी बुलाते हैं गुरुजी। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। गरुड़ और सांप किसके पास है, तेजस्विनी तुम उत्तर दो। श्रीहरि स्वामी जी, सांप उनकी शैया है और गरुड़ उनका प्रिय वाहन है। अच्छा ये बताओ, नाग के सिर पर किसके पैर का निशान है, तुम बोलो गिरिजा। श्री कृष्ण जी ने नाग के सिर पे खड़े होकर नृत्य किया था, वही श्री कृष्ण जी के पैरों के निशान। बहुत सुंदर उत्तर। गुरुजी, आज आप हमें नागिन श्लोक सुनाने वाले थे ना गुरुजी। नमस्ते नागिनी देवी। नमस्ते नागिनी देवी। मणिशोभित मूर्धनी। मणिशोभित मूर्धनी। नाग दोष निवारण्यै। नाग दोष निवारण्यै। नाग देवी नमोस्तुते। नाग देवी नमोस्तुते। ओम नाग देवताय नमः। नाग देवताय नमः। ओम नाग देवताय नमः। ओम नाग देवताय नमः। ओम नाग देवताय नमः। गुरु, भूख लगी है गुरु, सांप का अंडा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरु। अरे नालायक, मैं अभी पुंगी बजाने की तैयारी कर रहा हूँ और तुझे अंडा चाहिए। बीन बजाकर लोगों से पैसा लेने वाला जमाना चला गया। देख छोटू, लोगों को ना सांप से और भूत से डर लगता है। तू एक काम कर, किसी के घर के पीछे जाकर अपना एक सांप छोड़ कर आ जा, फिर मैं घर के सामने से आकर पुंगी बजाऊंगा और सांप पकड़ने वाला, सांप पकड़ने वाला बोलकर चिल्लाऊंगा। क्या बात है गुरु। जीत गया। क्या कर रहा है, चुपचाप खेलना। क्या हुआ? सांप इसके घर में छोड़ दूं क्या? ए बाबू, मेरे पीछे आ रहे। जी साहब। सांप पकड़ने वाला आया।
सांप पकड़ने वाला आया। इधर आ रहे। क्या है भाई? हम लोग जो हैं, जब मोहल्ले में दूध बेचते हैं तो दूध ले लो चिल्लाते हैं, और तू यहाँ सांप सांप क्यों चिल्ला रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? भाई नाग पंचमी नजदीक आ रही है ना, तो जंगल में रहने वाले सांप जंगल से निकलकर घर में घुस जाते हैं। अगर अचानक आपके घर में घुस गया तो आप मुझे ही बुलाएंगे ना? ए मुंह बंद कर, हम लोग कौन है तुझे पता है क्या? तू जानता है कुछ? भगवान शिव के भक्त हैं हम लोग, हमारे घर पर सांप आ ही नहीं सकता। हमारे सामने फालतू बातें मत करो, जाओ यहाँ से। सांप पकड़ने वाला आया। अरे मैं भी शिव भक्त ही हूँ। खेलिए खेलिए। बस हो गया, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, सब खा ले। हाँ, अरे सांप सांप, अरे बचाओ, अरे सुनो बहुत सांप है। अरे हमारे घर में कैसे आ सकता है? आएगा आएगा, सांप तो जरूर आएगा। अरे कैसे आएगा? पिछले साल नाग पंचमी को आपने सांप को दूध पिलाया था क्या? तूने दूध पिलाया था क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं पिलाया, तबीयत खराब थी तो सांप तेरी वजह से हुआ है। देखा ना, आप लोग भले ही भूल गए थे लेकिन सांप को याद था कि आपके घर में आना है। जाके सांप पकड़। 5 रुपया, 5 के आगे 2 जीरो लगा दो, पूरे 500 रूपए। 500? अरे क्या कर रहा है, पहले 500 रूपए दे दे, सांप घर में घुस चुका है, सबको लेकर जाएगा वो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, अरे जाओ पकड़ो, जा भाई करो ना, आ जाओ आप, अरे जाओ जाओ तुम जाओ। पेटी में डाल रहे बाबू। मेरा राजा। जा रहे जा रहे बाबू। अरे बाप रे बाप, शीशु, भाई बंद कर भाई, अगर अभी भी दूध नहीं पिलाया तो फिर से आएगा। अरे डरा क्यों रहा है, लेके जाओ से यहाँ से। तू क्या मुंह देख रही है? चल बाबू चल। शिव जी की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। ओम तत्पुरुषे विपिनहे महादेव हे देव। शरणु, कौन है आप लोग? हम लोग बगल के गांव से आए हैं, हमारे कष्ट आप ही दूर कर सकते हैं स्वामी जी। मैं नहीं बेटा, भगवान शिव करते हैं। क्या बात है बोलो बेटा। मैं कोई भी काम करने जाता हूँ तो उसमें विघ्न आ जाता है स्वामी जी। हम कष्ट में हैं स्वामी जी, हमारे दुख को दूर करिए। तुम्हारी जन्म कुंडली है क्या? नहीं स्वामी जी, हमारे घर वालों ने ये सब बनवाया ही नहीं। तुम्हारा नाम? श्रीकांत। लक्ष्मी। श्रीकांत और लक्ष्मी। श्रीकांत लक्ष्मी। श्रीकांत, तुम्हारे नाम नक्षत्र के अनुसार राहु दुष्ट स्थान पर है। कल नाग पंचमी है, नागमणि के यहाँ माथा टेक कर महादेव का अभिषेक करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, हम ऐसा ही करेंगे। नहीं नहीं, मुझे दक्षिणा वगैरह नहीं चाहिए, तुम इतनी अच्छी जगह पर आए हो, बस तुम्हारा अच्छा हो जाए। बस बस हो गया हो गया, आओ तुम्हारे नाम से पूजा करते हैं। बड़ी दीदी, छोटी बहन, संभल के नीचे उतरो। आराम से उतर, अगर तेरे पैरों में कांटा चुभ गया तो मुझे बहुत दुख होगा, आराम से। आप लोग कौन है? ओहो सेठ जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, हम लोग नृत्य करने वाले लोग हैं। गांव-गांव घूम के अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों का मन बहला के चले जाते हैं, और ये है मेरी छोटी बहन कनक तारा। नाचने में माहिर। अरे अरे, नाचने में माहिर ही नहीं, बिल्कुल मोरनी की तरह नाचती है। अभी तो ये छोरी है। अरे अरे, अब ये छोरी नहीं है, अब ये है किशोर। और ये नाच प्रवीण बहुत बढ़िया करती है। अरे अरे, हाँ भाव, नासा प्रवीण नहीं, नाट्य प्रवीण है। आपके यहाँ आने का कारण? पैरों में पायल पहनकर नाचने वाली, चुपचाप नहीं बैठने वाली, सभी गांवों में नृत्य प्रदर्शन कर चुकी हूँ और अब यहाँ आई हूँ। आप जैसा अमीर इंसान ग्राम पंचायत में हो तो चाहे हम कितना भी ढूंढ लें, आप जैसे लोग कहीं ना मिलेंगे।
अगर आपकी अनुमति हो तो आपके इस बड़े से महल में एक छोटा सा कोना अगर हमें मिल जाए तो हमें रहने के लिए एक बड़ा घर मिल सकता अरे है। बड़ा सा घर नहीं, रहने के लिए तो छोटा सा घर। इतनी सी बात तो हमारे बगीचे वाले घर में रह लीजिए। जब हम लोग आ रहे थे तो बगीचे का घर पूरा खराब हो गया था। घर खराब नहीं, अच्छा है। अरे सोनू जी, बहुत मजा आएगा। बगीचे वाले घर में इनके रहने की व्यवस्था कर दो। ठीक है मालिक, जाइए। आओ आओ। ये कौन है? साहब के बड़े भाई। बगीचा बहुत अच्छा है मामा जी। लग रही है, कुछ और लेके आओ ना। आई बेटा, जल्दी आओ ना माँ। आई, रुक जा जरा, जल्दी आओ। क्या माँ इतना ही लेके आई हो? पहले इतना तो खा, कोई देखेगा तो नजर लगा देगा। हाँ खा ले खा ले खा ले, खूब दबा के खा। अरे कितना खाता है ये, सुबह नाश्ता करता है, दोपहर को भोजन करता है, शाम को नहारी करता है, खा खा के गुब्बारे जैसा फूल गया है ये। अरे छोड़ो भी, तुम्हारी ही नजर लगती है इसको। माँ को संतुष्टि तभी मिलती है जब बेटा पेट भर के खाना खा ले। हाँ खुश हो जा, खुश हो जा। ये गेंडे का बच्चा पूरे 32 साल का हो चुका है, इसके साइज की कोई लड़की मिलती नहीं। इसका घर बसाने के लिए पूरे गांव में घूम घूम कर मेरा चप्पल घिस गया है, लगता है ये कुंवारा ही रहेगा। मुझे पैदा आप ही ने किया ना, जल्दी से मेरी शादी करा दो। मुंह बंद कर। तुम खाओ बेटा। खा 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 के इतना मोटा हो जा कि लड़कियां तुझे देखते ही भाग जाए। आप मेरी शादी करा दो ना माँ, तुम ही कहो ना बाबा से मेरी शादी करा दे जल्दी। तू पतला हो जा बेटा, तू पतला हो जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, फिर अपने गांव की लड़कियां बोलेगी मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, सब लड़कियां तेरे ही पीछे पड़ेंगी। मेरे सोना बेटा। कौन बोला कि इसके पीछे पड़ेंगी? अरे इस जन्म में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आज से तुझे इतना खाना बंद करना होगा, रोज काफी पैदल चलना पड़ेगा, मुगदर भांजने होंगे, खूब जम के कसरत करने होंगे। जब व्यायाम करके पसीना बहाएगा तो मेरे लाल तू दुबला पतला हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। ऐसी बात है क्या? तो आज के बाद मैं यहाँ से चल के वहाँ जाऊँगा, वहाँ से चल के यहाँ आऊँगा, अभी जो बचा है उसको खा लेता हूँ। इसी वक्त से खाना छोड़ना होगा। माँ पतला होना है ना तुझे, हाथ धो ले बेटा। चल चल जा, जा यहाँ से, कह रहा हूँ ना जा। कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ दिन रात खाता रहता है, ठूस ठूस के खाता है, मोटा होता है। नागन्ना, असली भगवान दो ही हैं, एक है सूर्य देव और दूसरे हैं नाग देवता। नाग देवता यदि वरदान दे दें तो खाली नहीं जाता। नागन्ना मान लो ये नाग देवता हैं, इसमें ये राहु है और ये केतु है। राहु मतलब इस शरीर के सारे अंग, इसमें किसी तरह की बाधा नागिन के क्रोध से ही आती है। वैसे ही केतु मतलब रोशनी, मन स्थिति, शांति और बुद्धि। यदि कोई भक्त नागिन की पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है, संतान सुख होता है, निरोगी होता है और उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। नाग देवता की सेवा करने से तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा और तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। नाग देवता की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। शादीशुदा इंसान से प्यार करोगी तो पत्नी की परेशानी, बच्चों की परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी सब होगी। बहना। ए भैया, उनके बारे में कुछ पता चला क्या? वो नागम्मा के प्रसाद की वजह से पैदा हुआ है। ओहो, प्रसाद की वजह से? अब वही अगर मेरा पति बन जाए? वो तो बोलते हैं कि वो जिंदगी भर ब्रह्मचारी बनकर रहेंगे। ब्रह्मचारी प्रेम पुजारी भी तो बन सकता है ना? वो तो चंचल भक्ति करते हैं। उनकी चंचल भक्ति को प्रेम की भक्ति को बदलने की शक्ति
मेरी प्यारी छोटी बहन कनक के पास है। किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखते नहीं, ऐसा बोलते हैं। तैयार होने के बाद मुझे देख लिया तो फिर देखते ही रह जाएंगे। ऐसा जादू करूंगी उन पर। उसका तन मन धन नाग देवता के लिए अर्पित हो चुका है। आज के बाद से उनका तन मन और धन सब मेरे लिए ही होगा। वो बोलते हैं कि गलत रास्ते बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसे सही रास्ते से गलत रास्ते पे लाने का काम मेरी बहन कर सकती है। आज तक उन्होंने किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखा नहीं और छुआ नहीं, ऐसा बोलते हैं। ओहो, ए घुंघरू, एक बार वो मेरी आंखों में देख ले, सुध बुध खो बैठेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। अरे अरे, वो देखिए, मेरी छोटी बहन पानी में डूब रही है, उसे बचा लीजिए। यजमान जी, बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए, वरना वो डूब। देखिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन उसे बचा लीजिए, वो डूब जाएगी। नहीं आता, आप उसे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। बचाओ, बचाओ। आपके बारे में मुझे मालूम है, परंतु किसी लड़की की जान चली गई तो आपको लड़की का श्राप लग सकता है, स्त्री हत्या का दोष भी लग सकता है। हाँ। स्त्री हत्या दोष नहीं, नहीं, नहीं। बचाओ। ओम श्री नाग शक्ति नमो नमः। कोई बचाओ। डरो मत बहना, यजमान जी बचा लेंगे तुझे। हाँ। नहीं तो गिर जाओगी। अरे ये क्या हो गया कनक, उतारो इसे। क्या हो गया? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने पानी ज्यादा पी लिया है, इनकी पेट दबाकर पानी निकाल। बाप रे, देखिए, हम ये सब नहीं जानते, अब तो इसे आप ही बचा सकते हैं। देखिए, मुझे पता है कि आप कैसे हैं, पर मरते हुए इंसान की जान बचाने से कुछ गलत नहीं होगा। किसी की जान बचाना तो भगवान का काम है, आप इसकी जान बचा लीजिए। ओम नाग शक्ति नमो नमः। देखिए, अब ये खतरे से बाहर है, डरने की कोई बात नहीं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपने मेरी बहन की जान बचाई, आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? सब भगवान की इच्छा है। Thank you.
नाग शक्ति नमो नमः। ओम नाग शक्ति नमो नमः। नागरत्ना, क्या हुआ? ये सब क्या है? अभी तक पूजा क्यों नहीं हुई है? भाई अभी तक नदी से नहाकर नहीं आए। अभी तक वो उठे ही नहीं हैं। तुम भी तो पूजा कर सकती थी ना? आपके भाई को छोड़कर इस घर में कोई और पूजा करे, ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? जब आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे कैसे हो सकता है? अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं कर सकती हूँ। भाई आज तक कभी इतनी देर से सोकर नहीं उठे। मैं भी वही सोच रही थी। तो आज क्या हुआ होगा? तबीयत तो ठीक है ना? जाकर देख कर आइए ना। भाई भाई ओह क्या हुआ भाई? तबीयत तो ठीक है ना? लगता है आपको बुखार हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई। ठीक है, तुम आराम करो। आज तुम्हारे बदले मैं ही नागम्मा देवी के अभिषेक को पानी देकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, इतने से बुखार से क्या डरना, मैं ही जाकर आता हूँ। ठीक है भाई। जीजा जीजा जी, नागा जीजा जी। ये क्या कह रहा है? मैं तेरा जीजा कब से हो गया? नहीं नहीं, मेरी बहन को बचाने वाले महान पुरुष मेरे महान जीजा हैं, ऐसा मैंने कहा। बोल क्या काम है? मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, आप ही आकर देखिए ना। मतलब बचाइए उसे। देख भाई, वो पानी में डूब रही थी, मैंने पुण्य काम समझ के उसको बचाया। अभी उसे वैद्य को दिखाने की जरूरत है। बीमार है तो वैद्य को बुला सकते हैं, भूत पकड़ने से तांत्रिक को बुलाते हैं, पर मानसिक रोग की कोई दवा नहीं है। वैसे हुआ क्या है उसे? कल रात से वो आपको याद कर रही है। आप घर पर आइए और प्यार से उसे समझाइए। अब मैं क्या समझा सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, घर पे आके खुल के बात कर सकते हैं। वैसे ये बताओ, मेरे बारे में वो इतना क्यों सोच रही है? वो पानी में गिरी थी और आपने उसे बचाया, इसलिए। कल रात से वो अपनी दुनिया में है ही नहीं, आप बस एक बार घर पे आके उसे देख लीजिए ना। आप आएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके मन को बहुत शांति मिलेगी। ये जल लेके जाओ और उसका अभिषेक करके। अरे बाप रे, तब तक मेरी छोटी बहन जिंदा तो रहनी चाहिए। अरे सुनो, ये कहना चाहते हैं, ये पानी कनक के ऊपर डालेंगे तो उसकी बीमारी एकदम से दूर हो जाएगी। आइए जीजा जी, आइए। चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए। वो ब्रह्मचारी आ रहे हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। जा तू जल्दी से अंदर जा। आइए जीजा जी, आइए, ये आपका ही घर है, आपके शुभ चरणों के साथ अंदर पधारिए। आइए 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 आइए। आपके चरण हमारे घर पे पड़े, हमारी बहन कितनी भाग्यशाली है। अरे तभी तो मैं इन्हें जीजा जी बोलता हूँ। नहीं नहीं, मतलब बहन को ठीक करने आए हैं। ओहो, आइए जीजा जी, आइए आइए। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। बैठिए, आइए आइए। बचाओ बचाओ बचाओ, बचा लो मुझे। जीजा जी जीजा जी, अरे बाप रे, अब तो जीजा जी आ गए ना, अब बहन को कुछ नहीं होगा, ये तो ठीक हो ही जाएगी। बैठ जाइए। हाँ हाँ, बैठ जाइए। बैठिए,
सुनिए, आप हमारे लिए पराई नहीं है, मेरी बहन आपके लिए पराई नहीं है। बचाओ, 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 बचाओ। आपके हाथ में तो जादू है जादू। आपने जैसे ही मेरी बहन पर पानी छिड़का तो यह उठकर बैठी और नाचने लग गई। बहुत सही है। क्या सही है, क्या गलत है, ये तुझे थोड़ी पता चलेगा। अरे हटाओ ना इन्हें, हट जाइए, हटिए ना। हे भगवान, मेरे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है मानो एक अलग ही खुशी महसूस हो रही हो। कनक ने तो जीजा जी को ऐसे पकड़ा है कि जीजा जी भस्म हो गए। साहूकार जी, साहूकार जी, आपकी कनक। ए, जो भाग गए उसके बारे में बोल रहा है? आपको जाल में फंसाकर आपके साथ घूमकर अब किसी और के साथ चक्कर चलाते हुए मुझे मिली। क्या कनक काली मिली थी? हाँ। कहाँ है वो? चलिए दिखाता हूँ। ए, चलो मेरे साथ, आज उसकी कहानी खत्म कर देंगे। हाँ, आइए आइए। ए, कनक काली। अच्छा अच्छा, आप लोग हैं। आते वक्त हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए थे? रात हो गई थी ना। हम लोग औरत जात है ना, इसलिए जल्दी आ गए। क्या नाटक कर रही है मेरे साथ? अपना नाटक अपने पास ही रख, मेरे साथ रहेगी ऐसा तूने मुझे यकीन दिलाया, और जब मैं नहीं था उस समय तू मुझे बेवकूफ बना करके भाग गयी। सेठ लोगों से क्या क्या उठा कर लाई है वो सब मुझे वापस कर दे। ए, उससे क्या बात कर रहा है, चल उठा के गाड़ी में डाल। चल ले, चलो चल यहाँ से। ए, छोड़ो उसको। अरे छोड़ो, ए छोड़ो, बोला ना छोड़ो। जीजा जी बोल रहे, तू कौन है? छोड़ो ना, छोड़ो। मैं इस बगीचे का मालिक हूँ, ये घर मेरा है और ये लोग मेरे मेहमान है। ओहो, तो तुम्हें भी इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, ये घर बगीचा सब ले लेंगे ये लोग, मेरी तरह तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। जुबान संभाल कर बात करो। ए, छोड़ो उनका हाथ, लड़की के सामने मर्दानगी दिखाते हुए शर्म नहीं आती? ए, मुझे क्यों शर्म आएगी, मेरा पैसा खाया है इसलिए इनको उठा करके लेके जा रहा हूँ। सेठ जी, ये जो बोल रहा है सब झूठ है, हमने ना इसे पैसे लिए और ना ही धोखा दिया। हम लोग पैरों में पायल बांध के गाँव गाँव नाच नाच के तकलीफ से जी रहे है। छोड़ो सेठ जी, इनके गांव में एक बार नृत्य का कार्यक्रम था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन्होंने खाना खाने के लिए अपने घर बुलाया। खाना खाने के बाद ये कहने लगे कि हम लोग तुम्हें पैसे दे देंगे, जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे, बस ये नृत्य छोड़कर तुम सब हमारे साथ यहाँ रहने लगो। लेकिन हम ऐसा कैसे करते, आप ही बताइए। एक कला ही तो है जो हम लोगों के पास है, उसी के सहारे तो हम अपना जीवन गुजारते हैं। और तो और, इनके बीवी बच्चे तो यही कहेंगे ना कि हमने इन्हें धोखा दे दिया। मना किया तो इन लोगों ने हम लोगों को बहुत मारा सेठ जी। और अच्छा मौका देखकर हम लोग वहाँ से भाग के आ गए। हम लोग का गलत किया सेठ जी। मैं सच कह रही हूँ, हमने इनका कोई पैसा वैसा नहीं। ज्यादा बकवास करेगी तेरे दांत तोड़ दूंगा। Hey!
हमारी जान बचाई है, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, बेफिक्र रहिए। छोटू हाँ? वो देख कोई आ रहा है। करवा दो मेरी शादी, करवा दो। लगता है इसकी शादी नहीं हो रही है इसीलिए टेंशन में है। मैंने जैसा कहा वैसा कर दे। ठीक है गुरु, शादी करूँगा, सुखी रहूँगा। तुम उधर मत जाओ। क्यों? अगर तुम वहाँ जाओगे तो मेरे गुरु को कुछ हो जाएगा। अरे मैं उधर से जाऊँगा, तेरे गुरु को कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या? चला, बात ऐसी है कि मेरे गुरु बीन बजा रहे हैं और जब भी वो बीन बजाते हैं गांव की सारी लड़कियाँ नागिन की तरह नाचने लगती हैं। ऐसा क्या? तुम सब लोग शाम को मिलना, 500-500 रुपए दूंगा। अभी तुम लोगों को जैसा कहा वैसा करो, ठीक है? करो करो करो। इनके पास इतनी शक्ति है, मैं भी बीन लेकर बजाऊंगा तो लड़कियां मेरे पीछे पीछे आएगी। वाह वाह। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। कौन है, कौन है, क्या है? आपसे मदद चाहिए। मैं बीन बजाकर सांप पकड़ने वाला आदमी हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने आपकी शक्ति को अपनी आंखों से देखा है गुरुजी, आंखों से। तुमने देख लिया? हाँ मैंने देख लिया गुरुजी। अरे रे, अरे रे। गुरुजी क्या है ना, मैं काला हूँ, मोटा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती। अगर ये बीन मुझे दे देंगे तो। ये कोई साधारण बीन नहीं है भाई, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे ना, और उनकी बंसी की धुन सुनकर उनके आगे पीछे गोपियां नाचती थी, सुना है ना? वही बंसी फूलकर ये बीन बन गया है, समझ गए? ये पहले मेरे दादाजी को मिली, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दी, मेरे पिताजी ने मुझे दे दी। मुझे मिलेगी? वो कैसे? गुरुजी आप मुझे ये दे दोगे तो मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे पोते होंगे। मैं ऐसे नहीं दे सकता, समझे? तो फिर कैसे देंगे? अगर ये बीन चाहिए तो मैं जो मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। बोलो ना क्या चाहिए गुरुजी? ये सोने की चेन दे दो। ये चेन चाहिए ना? ये लीजिए, ले लीजिए, आप दे दीजिए। हरे कृष्णा, ये लो भाई, मजे करो। अब तो बीन बजाते फिरेगा बेटा। इसे हर जगह यूं ही नहीं बजाते भाई, पहले घर पे जाओ, फिर पूजा करो, फिर बीन बजाओ। तीन तीन नहीं, छह छह लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी। सच में गुरुजी? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तेरा भला होगा। छोटू देखा ना तेरे गुरुजी का कमाल, सोने की चेन मिल गई। बाबा माँ बैठो ना। ये क्या है, ये बीन कहाँ से लेके आया? ये साधारण बीन नहीं है, ये लड़कियों को मोहित करने वाली बीन है। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी रहती थी ना, वैसे ही आज से ये मेरे हाथ में रहेगी। जैसे ही इसे बजाऊंगा तो नाग लोक से, चंद्र लोक से, इंद्र लोक से, आकाश से, भूमि से सब लड़कियाँ फटाफट फटाफट मेरे पीछे आ जाएगी। वाह बेटा, तू फिर इसे जल्दी बजा। हाँ बजाऊंगा माँ, पर बजाने से पहले मेरी एक शर्त है, आप दोनों को राम सीता की तरह चुपचाप बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमने गलती से मुंह खोला तो देख लेना। हाँ आप दोनों सुन लो, अगर दोनों ने आवाज की तो लड़की दरवाजे से ही भाग जाएगी। एकदम शांत बैठना, अगरबत्ती दो। पूजा करने वाला हूँ, जो बोला वो याद है ना? चुपचाप, नहीं तो लड़की दरवाजे से वापस। हाँ बजा रहा हूँ। हाँ Thank you.
की जगह नागिन आ गई। अरे अरे भागो। नागन्ना, शिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा है। आने दीजिए शास्त्री जी, शिवरात्रि त्योहार इस बार हम धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, पर संगीत शिरोमणि बालकृष्ण शास्त्री जी तो नहीं मिल रहे हैं। छोड़िए ना उन्हें, वो नहीं तो कोई और शास्त्री मिल जाएंगे। वैसे शास्त्री जी, हमारे गांव की नृत्य मंडली काफी मशहूर है। अगर हम इन्हीं लोगों से कामदार नृत्य करवाएं तो? कामदार मतलब गिरजा कल्याण ना भाई। बिल्कुल सही समझा तुमने। आप क्या कहते हैं शास्त्री जी? जब तुम दोनों ने सोच ही लिया है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही है। सुबह हो गई, मैं अभी तक यहीं पर हूँ। सब लोग मंदिर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। रुकिए। हाँ? जाना जरूरी है क्या? रुक नहीं सकते। भगवान के वस्त्र जिस अलमारी में रखे हैं, उसकी चाबी मेरे पास है। अच्छी तरह से भगवान का अभिषेक करवा कर अच्छी तरह से पूजा अर्चना करवाना ही तो मेरा काम है। अरे अरे, इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। कुछ नहीं होगा, मैं हर दिन ठंडे पानी से नहाता हूँ और नहाने के बाद भगवान का जल लेकर जाता हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और भी तो ये सब कर सकता है ना। जब तक मैं सेवा में हूँ तो मुझे ही करना होगा ना। वैसे पत्थर की मूर्ति पर पानी डालोगे या दूध डालोगे, फूल डालोगे या पत्थर डालोगे, उस मूर्ति को कहाँ से पता चलेगा? पानी के सांप को तैरते समय यहाँ से वहाँ जाने का पता नहीं चलता तो ये सब कैसे पता चलेगा, है ना जीजा जी? हाँ, बात तो सही है, लेकिन अपनी आत्मा को तो पता चलता है ना। मतलब आपको मुझसे ज्यादा वो पत्थर के भगवान पसंद है? जाने दीजिए, आपके मन को मैं दुखाना नहीं चाहती। आप जल्दी से जाकर भगवान की पूजा करके आ जाइए और मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। कनक, तुम्हारा दर्द इनको पता नहीं चलता। तुम ऐसा करो, अपना सारा सामान लेके यहाँ के इनके साथ रहो। मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहने आ जाती हूँ, तुम दोनों के साथ, ठीक है ना? मुझे इनकी जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, बस इनका साथ चाहिए। अभी मैं जाऊँ? तो ना चाहते हुए भी इनकी सारी जायदाद हमें मिल ही जाएगी। हाँ। नागन्ना अभी तक अभिषेक के लिए जल लेकर नहीं आया।
लगता है मुझसे जो हुआ उसके बारे में नागम्मा को पता चल गया है, इसीलिए मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। अगर इस बारे में मेरे घर वालों को या गांव वालों को पता चल गया तो हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। मंदिर में मुझे जाना ही होगा। हे नागम्मा देव, मुझे माफ कर दीजिए, मंदिर में मुझे जाने दीजिए। यह बात किसी को ना पता चले, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे नागम्मा। भाई साहब क्या हो गया? गाड़ी बुलाओ जल्दी, जल्दी करो। भाई साहब नागन्ना, क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? नागन्ना स्वामी जी, नागन्ना शेष अन्ना, तुम हिम्मत से काम लेना। स्वामी जी, लेकिन हुआ क्या है? विषैले सांप के काटने के कारण पूरे शरीर में विष फैल गया है। अपना नागन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई साहब, भाई नागन्ना, नहीं स्वामी जी, इसे नाग देवता ने शरण में नहीं लिया, नहीं लिया नाग देवता ने शरण में, मेरे भाई को सांप ने काटा है, यही सत्य है। लेकिन कोई सांप मेरे भाई को कैसे काट सकता है? इतने दिन की पूजा के बाद भी कोई सांप भक्त को काट सकता है तो वो देवता नहीं होगा। हे भगवान, इतने दिनों तक इस जहर के लिए हम सांप की पूजा करते थे, मूर्खता थी हमारी। शेषन, ऐसा मत कहो, नाग शक्ति के विषय में तुम्हें जानकारी नहीं है। नाग शक्ति? नाग शक्ति कौन सी शक्ति? क्या हुआ उस शक्ति को? जिसने भरोसा किया उसी को डस के मार डाला उस शक्ति ने। मेरे भाई की बलि लेने वाले नाग देवता की मैं हाथ से कभी पूजा नहीं करूंगा। इस मंदिर की तरफ मैं कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा। आज के बाद हमारे नामों में नाग से मेल खाता हुआ एक शब्द भी नहीं रहेगा। शेषन्ना एक्ट, शेषन्ना नहीं, मैं सिर्फ कोड़ा हूं। ऐसा मत कहिए, नाग देवता के ऊपर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। नहीं रत्ना, तुझे नहीं पता, नाग का गुस्सा तो 12 साल रहता है, लेकिन मेरा गुस्सा जिंदगी भर रहेगा। वो नाग कहीं भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा। उसी दिन मुझे शांति मिलेगी। अब नाग शक्ति बड़ी है या मेरा गुस्सा बड़ा है, देखता हूं, देखता हूं। दूध पी लो कनक। वही मुझे पिलाएंगे, उनके हाथ से ही मैं खाना पीना पसंद करती हूँ। अरे उसके लिए तू इतना परेशान क्यों है? जीवन में उसके जैसे कितने लोग तुझे मिलते ही रहेंगे, सबके लिए क्या परेशान होती रहेगी? फिर तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, हाथ में आई रोटी खा भी नहीं पाएंगे। परेशान मत हो, दूध पी ले। सही कह रही है,
जीजा मतलब वो अकेले थोड़ी ना है, हम तो शेषन्ना को भी जीजा बोल देंगे और उन दोनों की जायदाद अपनी हो जाएगी, क्या बोलती हो? हाँ मेरी प्यारी बहना, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। पौधे से एक फूल तोड़ लो तो क्या दूसरा फूल नहीं आएगा क्या? ये गया तो कोई और आ जाएगा। कल को कोई इससे अच्छा भी मिल जाएगा। लड़की के गुस्से के सामने सांप भी अपना फन समेट के भाग जाता है। सांप! 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 बचाओ! नाग देवता, नाग देवता, हमें कुछ मत करना। मैं तो मजाक कर रही थी यार। इधर भी एक सांप, उधर भी एक सांप। दो दो। वो देखो वहाँ पर भी एक सांप है। अरे वहाँ पर भी है। बाप रे सांप ही सांप है। वो देखो और एक, और वहाँ पर भी और एक है। कुछ नहीं चाहिए। बचाओ। अरे बाप रे इतने सांप। बचा लो। हमारे क्या होगा? हमें उसकी जायदाद बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो यहाँ से अपनी जान बचाते हैं, वरना सारे सांप हमें काट लेंगे। चलो भागो यहाँ से। नमस्कार, नमस्कार भाई। नमस्कार, बैठिए। कौन है आप लोग? हमारे गांव का नाम रंगनपुरा है। हमारे गांव में एक शेषनाग का मंदिर है, उसे हम पूरा बनवाना चाहते हैं। इसके लिए अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। मैं सांप के किसी त्योहार के लिए एक रुपया भी चंदा नहीं दूंगा। माफी चाहता हूं, मुझसे नहीं होगा। जाइए आप लोग। अच्छा चलते हैं। आप कौन? हम लोग शिव भक्त हैं। भगवान शिव का मंदिर बनवाना चाहते हैं, इसीलिए। भगवान शिव को देवालय चाहिए। जिसके शरीर पर इतने सांप लिपटे हैं उसके लिए मंदिर बनवाना है? अच्छा है, बनवा लो। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक रुपया भी नहीं दे सकता। नमस्कार, चलते हैं। नमस्कार, आप कौन? हम लोग भी अपने गांव में नाग देवता के मंदिर के लिए आपसे सहायता मांगने आए थे। पर मेरी समझ में आ गया है आप सहायता नहीं कर पाएंगे। अच्छा हुआ, आप खुद ही समझ गए। आज्ञा दीजिए। भाई साहब, अगर आपको नाग शक्ति की महिमा का पता चल गया तो आप खुद सहायता करने आएंगे? इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता, आप जाइए। इच्छा हो तो सहायता कीजिएगा। ये इस जन्म में तो नहीं होगा। आगे पीछे सामने कौन खड़ी है? नाग सुंदरी। नाग सुंदरी तू जा। आगे पीछे सामने कौन खड़ी है? गिरिजा। गिरिजा तू जा। आगे पीछे सामने कौन खड़ी है? लक्ष्मी। लक्ष्मी तू जा। सब लोग छुप गए उधर, अब तू जाके उन सबको ढूंढ। सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खेल रही हूँ पिताजी। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? चलो घर जाओ। थोड़ी देर और खेलने दो ना पिताजी। बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम घर जाओ और तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। जाओ। चलो घर चलो। चलते हैं। रत्ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बेटी को नाग मंदिर के पास खेलने के लिए मत भेजना। मैंने कितनी बार कहा है, पर ये फिर भी वहीं खेलने के लिए जाती है। खेलना है तो अपने घर के पास ही खेला करो बेटी, यहाँ वहाँ क्यों जाती हो? मैं अकेले कैसे खेलूं पिताजी, मेरे साथ कोई चाहिए ना खेलने के लिए। तो अपनी फ्रेंड्स को यहाँ बुला लिया करो, यहीं पर खेला करो, इधर उधर मत जाया करो। जहाँ तुम खेलने जाती हो वहाँ एक खतरनाक सांप है। तुम्हारे बड़े पापा की जान भी उसी सांप के काटने से गई। आपके बड़े भाई की जान ली, इसका मतलब सबकी जान लेगा क्या? रत्ना, अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, जो कहा जाए उसे सुना करो। अच्छा ठीक है। ठीक है ना बेटा? ठीक है पिताजी। शेषन्ना जल ले लो। नागण्य सर्वनाम पूर्णावृत्ति रहिताम शाश्वता ब्रह्मलोका वापतिरस्तो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। सब लोग हाथों में फूल ले लो, फूल अर्पित करके नमस्कार करो।
स्कंद द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्ठाम करीशिरी। नागन्ना की आत्मा को शांति मिले इसके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। सुंदरी, सुंदरी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सुंदरी, सुंदरी, ए संभाल के। सुंदरी, सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मेरे पीछे आ रहा था माँ। पर बेटी तुम यहाँ पर क्यों आई और तुमने ये क्या छुपा कर रखा है? कुछ खाने के लिए रखा है क्या? पूजा अब तक खत्म नहीं हुई इसलिए तू इसे खाने के लिए छिपकर यहाँ आ गई। फेंक दे इसे। फेंक दे बेटी। नहीं। कह रहे हैं ना तुझे इसे फेंक दे। है कहा ना फेंक दे इसे। लगता है खाकर पूरा खत्म कर दिया। ऐसी जगह पे अकेले नहीं आना चाहिए बेटी। यहाँ जानवर रहते हैं। चलो चलो, हम तो डर ही गए थे। अरे क्या हुआ? ये बच्चे यहाँ तक परेशान हो गए। अभी डर गई थी। एकदम से कहाँ चला गया बेचारा? सुंदरी, सुंदरी यहाँ क्या कर? अरे रे रे, सांप! इधर आ, सांप! अजी सुनिए जी, सांप है। चिल्ला मत माँ, पिताजी सुनेंगे तो इसे मार डालेंगे। जरा इसे देखो, कितनी चोट लगी है इसे, कैसा हो गया है। माँ, जब हम पूजा करने गए थे ना, पता है वहाँ क्या हुआ? मैं बताती हूँ, एक चील इसे सता रहा था। वो चील इस सांप को अपने चोंच से मार मार के सता रहा था। तब मैंने क्या किया पता है माँ? एक लकड़ी से मैंने उसे मारा और वो भाग गया। और माँ, जब वो सांप ऊपर से गिर रहा था ना, तो मैंने उसे अपने लहंगे से पकड़ लिया माँ। और आप लोग आके पूछ रहे थे ना, दिखाओ दिखाओ लहंगे में क्या है। जब मैंने आप लोगों को लहंगा दिखाया तो लहंगे में सांप नहीं था। मैंने भी सोचा पता नहीं वो सांप कहाँ चला गया। मैं परेशान हो गई थी माँ। मैंने इसकी मदद की थी ना, इसलिए मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया है माँ। बेचारा, देखो तो इसका कितना खून बह रहा है माँ। माँ, मैं दवाई लाके इसे लगा दूँ क्या? माँ माँ, इस सांप को हम अपने घर पे रख सकते हैं क्या माँ? नहीं नहीं बेटा, हम नहीं रख सकते। सांप तो आखिर सांप ही होता है ना, काट लेगा तो। चल बेटा। माँ जी, हा? मैं आपको नहीं काटूंगी। मैं साधारण सांप नहीं हूँ, मैं नाग देवी हूँ। नागमणि की रक्षक हूँ और उसकी रक्षा के लिए नाग देवता ने मुझे यहाँ भेजा है। और एक बात, उस पवित्र नागमणि को चुराने के लिए उन्होंने कई बार कोशिशें की, हर बार मैं उन्हें डराकर भगा देती थी,
वो मंत्रवादी मुझे मोहित करने के लिए नागराज को ही भेज दिया। फिर मैं नागराज को देख के उनके साथ गाना गाने लगी, उन पे मोहित होने लगी और हम दोनों प्यार करने लगे। वो मंत्रवादी मणि को चोरी करने आया, तब नाग देवता ने मणि की रक्षा की और नाग मणि को उनसे बचाया। जब मैं प्यार में मोहित हुई थी तब नाग देवता मुझ पे क्रोधित हुए और उन्होंने मुझसे कहा, तूने अपना कर्तव्य छोड़कर ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू भूलोक में एक सामान्य सांप की तरह रहेगी। पश्चाताप करके मैंने उनसे माफी मांगी, लेकिन उस श्राप के अनुसार जैसे 12 साल के लिए नागदोष होता है, उसी तरह मेरा श्राप भी 12 साल तक रहेगा। 12 साल खत्म होने के बाद नाग पंचमी के दिन तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर मेरे कर्तव्य से दूर करने के लिए उन मंत्रवादियों ने चील को भी भेजा था, जो मुझे बाद में मालूम हुआ। आगे आने वाली नाग पंचमी के दिन मेरे श्राप के 12 साल पूरे हो जाएंगे। माँ, ये सांप बहुत तकलीफ में है। माँ, इसे अपने घर में रखने दो ना। माँ, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। अगर तेरे पिताजी ने देख लिया तो सांप पकड़ने वाले को बुलाकर इस सांप को जान से मरवा देंगे। तेरे पिताजी को सांपों से सख्त नफरत है। मामा, अगर इस हालत में इसे छोड़ देंगे तो चिल्ला के इसे काट काट के मार डालेगा। माँ माँ, ये सांप बहुत अच्छा है। माँ माँ, कुछ करो ना। माँ, पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। सांप को हम पालते हैं माँ, हम माँ इसे अपने घर में रखते हैं। ये बहुत अच्छा है। माँ माँ माँ, कुछ करो ना। माँ माँ, बोलो ना। हाँ बोलो माँ, हाँ बोलो माँ, हाँ बोलो ना, बोलो ना माँ, हम इसे घर पे रखते हैं। माँ कुछ तो बोलो। माँ, इसे घर में रखने दो ना। माँ माँ, अच्छा ठीक है बेटा, मेरी प्यारी माँ। माँ, आप अंदर जाके हल्दी बुक के ले आओ, फिर हम इसे लगाएंगे। मैं अंदर जाऊंगी तो पिताजी चिल्लाएंगे, आप जाके ले आओ ना। माँ ठीक है, मैं ले आती हूँ। सुनो, माँ अंदर गई है हल्दी लाने के लिए। हल्दी लगा दूंगी तो तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। सुंदरी, आराम से पकड़ बेटा, लो इसे साफ कर दो। अब ये लगा दो। नागम्मा, बाहर आ जाइए, आपके लिए दूध लाई हूँ। नागम्मा, आप दूध पी लीजिए। आप मत छोड़ो, मुझे देर हो रही है। हाँ पता है पता है। ये ले अपना बैग ले। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। अरे आप यहाँ क्यों आई? अंदर जाइए, मैं पढ़ने जा रही हूँ ना। तो आप नहीं मानेंगी? अगर मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी तो वहाँ सभी बच्चे आपको देख के डर जाएंगे और भाग जाएंगे। सुंदरी, तुम अभी तक स्कूल नहीं गई? वो क्या है ना, जाने से पहले ये रोज तुलसी के चक्कर लगाती है। ओहो, अभी से तैयारी कर रही है क्या? ठीक है ठीक है, तो मैं चलूं? ठीक है। सोनू जी मालिक, बैल तैयार है। सुनो जी मालिक, सांप कहाँ है? इसके अंदर देखो।
अपसर्प सर्प भद्रंते अपसर्प सर्प भद्रंते दूरम गच्छ महायशः दूरम गच्छ महायशः जन्मे जयस्य यज्ञान्ते जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम् स्मरः आस्तिक वचनम् स्मरः। सुंदरी तुम्हारे हाथ में क्या है? दूध है। दूध वहाँ क्यों लेकर जा रही हो? रात हो गई ना, यहीं बैठकर पी लो। ठीक है पिताजी। हाँ। ठीक बोल रहे हैं बेटा, यहीं बैठकर पी लो ना, कमरे में ले जाने की क्या जरूरत है इसे। तुम्हारे पिताजी को मैं देख लूंगी, तुम जाओ। आज तो बच गई। नागम्मा जल्दी जल्दी दूध पी लीजिए, आप बहुत अच्छी है ना, पी लीजिए। नागम्मा पेट भर के दूध पी लीजिए और थोड़ा पी लीजिए, पी लीजिए ना, पी लीजिए। सेठ जी, सेठ जी, मुझे यहाँ सांप की खुशबू आई, मुझे आश्चर्य है कि आपके घर में सांप कैसे। ये ले। सबसे पहले इसे कहीं ले जाकर खत्म कर दे। ठीक है सेठ जी। जिंदा रहेगा तो पता नहीं कितनों को मारेगा। पिताजी पिताजी इसे मत मारिए पिताजी, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे पालूंगी पिताजी। सांप को भी कोई पालता है क्या? मैं क्या कह रही हूँ, सुंदरी की इच्छा है इसे पालने की, तो पालने दीजिए ना। वो तो अभी बच्ची है, पर तुम्हें क्या हो गया? हाँ? जानती हो ना इसके बड़े पापा सांप के काटने से मरे? नहीं पिताजी, ये सांप बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करेगा पिताजी, मैं इसे संभाल लूंगी पिताजी। सुंदरी मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेटा, जो कहा है वो सुनो। पिताजी पिताजी इसे रहने दीजिए ना पिताजी, ये बहुत अच्छा है पिताजी। चुप रहो, चुप रहो, जिद मत करो, चुपचाप अंदर जाओ। तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, चल जा यहां से। ठीक है सर जी, बाबू लेके आ रहे, चल चल। राम। ओहो तांत्रिक महाराज नमस्कार, आइए आइए। सांप की कहानी का क्या हुआ? अरे महाराज क्या कहानी होगी, सब ठीक ठाक चल रहा है। दिखा रे। ये वो नहीं है, ये नहीं चाहिए। दूसरा दिखा रे। दूसरा लेके आ रे। ये भी वो नहीं है, ये भी नहीं चाहिए। छे, ये भी वो नहीं है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए। ये उठा रहे। तो फिर ओह वो नया सांप दिखा रहे। जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। किधर गया वो? महाराज जी आपने जैसे कहा था मैंने ठीक वैसे ही सांप को पकड़ लिया था, वो गायब कैसे हो गया? ये क्या, वो साधारण सांप नहीं है, इच्छाधारी नाग की ताकत है उसमें, मेरे आने की वजह से वो गायब हो गया। क्या वो
इच्छाधारी नागचंद्रिके का सांप है? हाँ वही है, मुझे वो सांप चाहिए। तुम अगर ढूंढ के दोगे तो बदले में मैं सोने का सांप दूंगा। जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लाओ। ढूंढता हूं सोने का सांप। किसको मिलेगा क्या पता। नहीं चाहिए। अगर तू इस तरह से खाना पीना छोड़ देगी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना, और तबीयत खराब हो जाएगी तो तेरे पिताजी मुझे चिल्लाएंगे। चल जिद मत कर और खाना खा ले। नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। माँ, वो सांप पकड़ने वाला सांप को ले गया, वो उसे मार डालेगा क्या माँ? सुंदरी, सांप के बारे में भूल जाओ, पहले खाना खा लो। मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पिताजी। आपने उन लोगों को सांप को मारने के लिए क्यों कहा? सुनो, तुम्हारे बड़े पापा को एक सांप ने ही मारा था, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम पापा की अच्छी बेटी हो ना? हो ना? तो चुपचाप खाना खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा खा लो बेटी, थोड़ा सा खा लो बेटा। वो सांप किसके घर में पकड़ा था तुम्हें याद है? हाँ याद है, शेषन्ना के घर से पकड़ा था। उसकी बेटी ने उस सांप को चील के चंगुल से बचाकर मरने वाले सांप को घर पर ले आई और उसे दवा लगाकर बचाया और घर पर रख के पालने भी लगी। महाराज, सांप की और उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन उस शेषन्ना को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे बुलाकर सांप को पकड़ने के लिए कहा गया। मैंने उसे आपके लिए संभाल कर रखा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ भाग गया महाराज। राम सिंह, तुम पहले जाकर उस लड़की को इधर लेकर आओ, सांप अपने आप इधर आ जाएगा। इस नाग पंचमी के दिन उस लड़की को मार के और सांप को भी मार के नागमणि को हासिल करना है। अरे बेटा वीर, तुझे मैंने मना किया था, फिर भी तू यहाँ पर चला आया और अपनी जान को बेटा तेरे मैंने अपने पोते को खो दिया। क्या करूँ ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसका दंड तूने मुझे दिया है? क्या किया भगवान? अरे साहब क्या बताऊं मैं, इस जमीन को मेरे बेटे ने खरीदा था, सब उसी की वजह से हुआ। क्या कहा? हाँ साहब, ये उसी की सजा है, मेरे बेटे ने जिद करके ये जमीन लिया था। आप वो सामने की बाबी देख रहे हैं, ये जगह मेरे सपनों में कई बार आई और उसमें से आवाज आई, इसे कभी तोड़ना मत, ऐसे ही इसे बनाए रखना, इसे कभी बर्बाद मत करना। हर नाग पंचमी पर कटोरे में दूध रख के मेरी पूजा करना, तेरे वंश की जिम्मेदारी मेरी, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और मेरी पूजा नहीं की तो मैं तुझे निर्वंश कर दूंगी, ऐसा श्राप दिया था मुझे। मैं उसे बुरा सपना समझकर ध्यान नहीं दिया और उस पिंड को तोड़ने गया था, उसी दिन सांप काटने से मेरा बेटा मर गया। और वो दिन है और आज का दिन, हम लोग यहाँ कभी नहीं आए। तो उसके डर से तुम लोग इस जगह को हाथ नहीं लगाते? हम लोग किसी भी तरह से सूखी रोटी खा के जी रहे हैं। मेरा पोता बड़ा होने के बाद कहने लगा, दादा ये जमीन तो हमारी है, यहाँ कुआं भी अपना है, इसे हम क्यों छोड़े, हम लोग यहाँ खेती करके अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। मैंने उसे समझाया, नहीं बेटा हमें नहीं चाहिए, मत जा वहाँ। उसने मेरी एक नहीं मानी और वो यहाँ चला आया, हमारी बातें ना सुनकर काम चालू कर दिया। हम लोग इसके पीछे दौड़े दौड़े आए, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचते सांप ने इसे काट लिया था। हमारा वंश बिना वंश के हो गया, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? चाचा जी, आप अपने आप को संभालिए, ये जमीन मैं खरीदूंगा। अरे रे रे रे, मत लेना बेटा, मत लेना, बिल्कुल मत लेना। इंसान से वैर मोल लेकर जिया जा सकता है, लेकिन देवता से कोई टकरा कर जी सकता है? जमीन तो सोना उगलती है, जहर उगलने वाला सांप होता है। जमीन को दोष देना ये कोई न्याय नहीं है। मेरे परिवार का हर सदस्य यहाँ एक एक करके मर चुका है और देखते ही देखते ये जगह शमशान बन चुकी है बेटा। ये सांप कोई साधारण सांप नहीं है,
बहुत ही शक्तिशाली सांप है, उससे जो भी टकराएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा बेटा, सर्वनाश हो जाएगा। चाचा जी, हालात पर एक बार और सोच कर देखिए। सांप का तो काम है काटना, अगर वह सांप ही ना रहे तो। चलिए इनका अंतिम संस्कार करते हैं। सोनू, ये लीजिए पैसे, ये अंतिम क्या संस्कार है? में काम आएंगे, पकड़िए। कोई अच्छा दिन देखकर जमीन खरीदने के लिए आऊंगा। वो जमीन आप क्यों ले रहे हैं? और पिंड को हम लोग क्यों तोड़े? नागराज के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आप नागशक्ति की ताकत को समझ ही नहीं पा रहे, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। रत्नों, कौन सी नागशक्ति? नागशक्ति, नागशक्ति, नागराज की शक्ति अच्छी तरह जानता हूँ। छुप छुप कर नागराज आता है और भोले भाले इंसानों को डस कर चला जाता है, और तुम कहती हो ये नागशक्ति है? ऐसी बात नहीं है। एक मामूली सा सपेरा आया और उस सांप को पकड़ कर ले गया, तब कहाँ थी शक्ति? बताओ कहाँ गई उसकी शक्ति? ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सुनिए, ये सब मैं नहीं जानती, मुझे इतना पता है कि वो देवता है, ऐसा करना पाप होगा जी। वो जो इंसान को मारता है वो पाप नहीं है क्या? वो पुण्य का काम है। पिताजी, पिताजी, हम सांप का मंत्र पढ़ के उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ के आए क्या पिताजी? सुनिए, हम पहले ही भाई साहब को खो चुके हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो। मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, बस तुम लोग मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। आप इस तरह से जिद क्यों कर रहे हैं? और सांप ऐसे ही किसी इंसान को काटता है क्या? ये जरूर हमारे पिछले जन्म के कर्म है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। किसी की भावनाओं के साथ इस तरह मत खेलिए। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, भाई का बदला ले रहा हूं, और इस बारे में मैं किसी की भी सुनने वाला नहीं हूं। सुनिए सुंदरी, बेटा तू यहीं रुक, मैं स्वामी जी के पास जाकर आती हूँ। हे भगवान जी, मेरे पिताजी की तकलीफ को दूर करिए और उन्हें सद्बुद्धि दीजिए भगवान जी। स्वामी जी, इस गड्ढे में पुआल भर दो, सांप बचना भी चाहे तो बचकर नहीं जा पाए, वो अंदर ही चलकर राख हो जाना चाहिए। ए शंकर, ये काम करने में हमें पाप तो नहीं लगेगा ना? हमें क्यों पाप लगेगा? जिसने हमें ये काम दिया है पाप तो उसको लगेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों चाचा, तुम पाप के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? जो उन्होंने कहा है तुम चुपचाप करो, समझे? चुपचाप पुआल भरो इस गड्ढे के अंदर। रुक जाओ, आग मत लगाओ, रुक जाओ। क्या हुआ स्वामी जी? शेषन्ना, तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। स्वामी जी, सांप को मारने का फैसला मेरा है। शेषन्ना, तुम्हारे भाई को श्राप था इसलिए सांप ने उसे डस लिया। श्राप लगने वाला जमाना दूसरा था, लेकिन इस जमाने में किसी को श्राप प्राप्त नहीं लगता। शेषन्ना, बिना कारण सर्प को नुकसान पहुँचाने से कुष्ठ रोग होता है। स्वामी जी, इन कहानियों से मैं नहीं डरता, ये बातें सुनकर मैं पीछे भी नहीं हटूंगा, जो कहा है करके दिखाऊंगा। मेरी बात सुनिए, कम से कम स्वामी जी की बात तो रख लीजिए, कल कहीं इस वजह से हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। रत्नों, आग लगा दो उसे। हे नाग देवता, इनके पापों को क्षमा करना। ये
ये शेष अन्ना सिर्फ मेरा ही दुश्मन नहीं है, मुझे और मेरे वंश को जलाकर मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। नाग पंचमी के दिन तेरी बेटी सांप बन जाएगी और उसी के टसने से तेरी मौत होगी। आज से ही तेरी बेटी का शरीर धीरे धीरे सांप का रूप धारण करने लगेगा। स्वामी जी देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया, इसके पैर देखिए स्वामी जी, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब शेष अन्ना के अपराध के कारण हुआ है। कौन सा अपराध स्वामी जी? ये सांप का श्राप है, आज भी मेरे कानों में गूंजता है। वो क्या है स्वामी जी? शेष अन्ना, तूने मेरे वंश का विनाश किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे श्राप से तू बच नहीं पाएगा। नाग पंचमी के दिन तेरी बेटी सांप का रूप ले लेगी, उसी के कारण तेरी मृत्यु होगी। आज के दिन से ही तेरी बेटी धीरे धीरे सांप का रूप लेना आरंभ कर देगी। यही श्राप है शेषन्ना। शेषन्ना, तुम्हारा जन्म हुआ नाग शक्ति से, पर तुम उनकी सेवा करना ही भूल गए, मंदिर जाना तक भी बंद कर दिया। तुम्हारे भाई की मृत्यु के कारण बिना कुछ सोचे समझे सांप को ही दोषी ठहरा दिया। जो कुछ भी हुआ उस सब का दोष सांप पे मर दिया। देखो उसी भूल का परिणाम देख रहे हो तुम। हे भगवान, ये श्राप हमारी बेटी को क्यों लगा? आप कुछ बोलिए ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? क्यों किया आपने ये सब? कुछ बोलिए ना। देखिए सर, हमारी बेटी की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। मैंने पहले ही आपको नाग शक्ति के बारे में समझाया था, पर आपने ना ही मेरी बात सुनी और ना ही स्वामी जी की बात सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे और उसकी सजा हमारी बेटी भुगत रही है। आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचाइए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। हे भगवान, इतना बड़ा फल मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। रत्ना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। स्वामी जी, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। स्वामी जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। स्वामी जी, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से इसे सर्प दोष नहीं लगना चाहिए। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कृपया बताइए, कोई तो उपाय बताइए, उपाय बताइए स्वामी जी। शेषन्ना, आरंभ से ही तुम्हारे वंश के मार्गदर्शक हम रहे हैं। इन सब बातों का प्रायश्चित उसका उपाय ढूंढने के लिए मुझे शास्त्रों में देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी, महाराज, उस लड़की को कुछ बीमारी हो गई है, वो हाथ पैर भी नहीं हिला रही है। उसके बाप ने सांप का पिंड जला दिया है, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। उस सांप के श्राप से उस लड़की का शरीर सांप जैसा हो रहा है। बीमार हुई है तो इससे अपना रास्ता और भी आसान हो गया है। नाग पंचमी नजदीक आ गई है, हर हाल में मुझे अब वो लड़की चाहिए। देखो जाकर। Thank you.
शेषन्ना, तुमने कौन से भगवान का तिरस्कार किया है? कौन से मंदिर पर पैर नहीं रखूंगा कहकर वहां से चले आए थे? पहले उस मंदिर में जाकर पूजा करनी पड़ेगी। तुमने जो पिंड जलाए, उन सभी पिंडों को एकत्र करके उनकी पूजा करके पवित्र स्थान जाकर तीनों पवित्र स्थानों के दर्शन करने होंगे। नाग मंदिर सुब्रमण्यम में जाके वहां सांप को दूध चढ़ाना होगा और दूसरे मंदिर में जाके फूल चढ़ाना होगा। उत्तर दिशा में जो शिव जी का मंदिर है वो मंदिर बहुत ही सिद्ध है। दर्शन पश्चात जो तुमने पिंड जलाए उन्हीं पिंडों की चिता की राख लेकर उन्हें पवित्र करना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन पश्चात उसी क्षेत्र में श्री मुक्तिनाथ सुब्रमण्यम स्वामी का भी मंदिर है। जो चिता की राख तुम वहां पर लेकर गए हो उससे शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करना होगा। उसके बाद जो नाग दोष तुम पर है नाग माता की कृपा से वो दूर होगा। ये पिंड जो तुमने जलवाए हैं उनकी मिट्टी ये मटके में भर दो। शेषन्ना, आप महानदी के पास बैठ के एकाग्र चित होकर पंच मंत्र का जाप करके वहां से पानी लाकर अभिषेक कर दो। बेटी नागरत्ना, शिव मंत्र का जप करके पानी भर दो। मैं तब तक पूजा की सामग्री तैयार करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। ओम क्रीम चामुंडाय नमः। नाग सुंदरी, उस नाग चंद्रिका को यहाँ आने को बोलो। मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ए, तू ऐसे ही क्यों मर रही है? नाग चंद्रिका को जल्दी से आवाज दे, आवाज दे। मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, पर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। आप उन्हें मार डालेंगे, इसलिए नहीं बुलाऊंगी। मैं नहीं बुलाऊंगी। ओम नमः शिवाय। अरे भगवान, सुंदरी कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुंदरी, सुंदरी, स्वामी जी, क्या हुआ, क्या बात है? सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुंदरी नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई? उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? नाग देवी, हमारी क्यों ऐसे परीक्षा ले रही हो? स्वामी जी, हम लोग जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? शेषन्ना, ये देखिए, ये देखिए, यही वो सांप है जिसे हमारी सुंदरी घर पर रखकर पाल रही थी। देवी, हे नाग देवी, जिसने आपकी जान बचाई उसके साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी अभी मुसीबत में है, मेरे साथ चलो। तुम्हारी बेटी कहाँ है तुम्हें दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। Thank you.
नागपंचमी के दिन इसकी बलि चढ़ाऊंगा। पिताजी। मेरे हाथों से मरते देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ए, इस नाग चंद्रिके को पकड़ो। ए, दूर रहो इससे। ए तांत्रिक, मेरी बेटी को क्यों उठा कर लाया है, बता। ए, इस नाग चंद्रिके को पकड़ने के लिए। सुंदरी, मेरी बच्ची। रुक जाओ। ए, ए, उसे छोना मत। चुपचाप मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। पीछे हट जाओ, नहीं तो तेरी बेटी को जला दूंगा। पीछे हटो। हे भगवान। हे राम सिंह, सांप कहीं भाग कर जाने ना पाए। हाँ। उसके लिए वैसी बीन बजाओ। हाँ। शन्ना, वो मंत्रवादी की जादुई छड़ी आग में फेंक दो, तभी उसकी बुरी शक्तियां नष्ट होंगी। पिताजी। सुंदरी, शेषन्ना, तुम्हारी बेटी सांप बने उससे पहले इसे मंदिर ले जाओ और उस पिंडक को पूरा करके उसका अभिषेक कराओ। जाओ, जल्दी जाओ। रत्ना, मैं पूजा पूरी करके आता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी जाइए। सुंदरी, मेरी बेटी,
सुंदरी, मैं तेरी माँ हूँ बेटा और तू मेरी बेटी है। हे भगवान, दुनिया में ऐसा दिन किसी माँ को मत दिखाना, कभी भी मत दिखाना। मेरी बेटी को बचा लो माँ। एक बेटी अपने पिताजी को मारेगी? हे भगवान, सुंदरी तूने डस कर जान से मार देगी तो फिर तेरी इस माँ का क्या होगा? दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ की बात और कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। तेरे पति को मरना ही होगा, उसने मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया, मैं उसे खत्म करूंगी। समझ को मैं हाथ जोड़ दी, जो मेरे साथ किया वो उसके साथ होगा, मैं वही करूंगी। समझ करो सुंदरी। नहीं बेटा, सुंदरी सुंदरी। नागचंद्रिके, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? जिसने मेरी पूजा की है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये शेषन न सिर्फ मेरा दोषी नहीं, पूरे नागकुल का दोषी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने भाई का गुस्सा निकालने के लिए उसने ऐसा किया। मतलब? नागन्ना शुद्ध नहीं था और मंदिर में आ रहा था, इसलिए नागम्मा ने डसकर उसे मार दिया। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं था। ये सच है भाई साहब, मैं ही वो पापी हूँ जिसके कारण उनका ब्रह्मचर्य टूटा। मेरी वजह से, मैं हूँ वो पापी भाई साहब, मेरी वजह से हुआ सब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, भाई साहब तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते थे। उनका ब्रह्मचर्य टूटने का कारण मैं ही हूँ। उनको प्यार में फंसा कर उनकी जायदाद हड़पने की सोच रही थी। शिवरात्रि जैसी पवित्र रात को मैं उनके साथ एक हो गई और उन्हें अशुद्ध कर दिया मैंने। नाग शक्ति क्या है ये मैं नहीं जानती थी और वो गलत काम कर दिया मैंने। मैंने किया सब गलत काम की वजह से मुझे कोहर जैसी ये भयानक बीमारी लग गई, जिसे बड़ी बहन माना वो भी इस बीमारी के डर से मुझे छोड़कर चली गई। मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उन्हीं के लिए आज मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने आई हूँ। जब तक जिंदगी रहेगी नाग देवी की पूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी और यहीं रहूंगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया, क्या किया तूने? इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती है? अपने थोड़े से फायदे के लिए तूने हमारे पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। सच्चाई जाने बिना ही मैं सांपों का दुश्मन बन गया। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है रत्ना। मेरी बेटी, मेरी बेटी। उत्तमा, सच्चाई क्या है इसका पता चल गया ना? शीशन्ना को पता नहीं था इसलिए उसने गलती कर दी। पता हो या ना हो, गलत काम गलत ही होता है। मेरे वंश को उसने खत्म किया, अब उसके वंश को खत्म करके ही मेरे मन को शांति मिलेगी। नाग माता, अगर तुम्हारा वंश समाप्त हो गया और तुमने हमारा वंश भी समाप्त कर दिया तो तुम में और उस इंसान में क्या फर्क रहेगा? अगर इंसानों की तरह तुम भी बदला लोगी तो ये तो नाग जाति का अपमान होगा ना माँ? तो फिर तुम्हारी नाग जाति को कौन पूजेगा, कौन दूध पिलाएगा माँ? नाग माता, मैंने जो किया वो अक्षम्य अपराध है, पर उसके लिए
मेरी बेटी को सांप मत बनाइए, मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए मेरी बेटी को, मुझे मार दीजिए, हाँ, मुझे मार दीजिए। माँ, इन्हें नहीं, मुझे मारकर आप अपना बदला पूरा कर लीजिए, पर मेरे सुहाग को कुछ मत कीजिए। तू इसको मार डालेगी तो तेरा वंश वापस आ जाएगा क्या? मरने वाले वापस नहीं आते, जो जिंदा है उन्हें मारकर बाकी लोगों को क्यों तकलीफ दूं? दूसरों की रक्षा करना अपने नाकुल की मर्यादा है, तू उसे बचा ले। माता नागचंद्र के, मेरी आत्मा को नागलोक भेजकर इस नाग सुंदरी को मेरा रूप देकर उसे पुनर्जन्म दीजिए। सुंदरी, हाँ? सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी तो ठीक हो गई बेटा, सुंदरी, सुंदरी, माँ, सुंदरी, तूने जिस सांप को घर में पाला था ना, ये वही देवी माँ है, और इन्हीं नाग देवी की वजह से आज हम लोग इस श्राप से मुक्त हो पाए हैं बेटा। सुंदरी, जिन्होंने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है उन नागचंद्रिका माता को प्रणाम करो बेटी। हमें कोई भी दुख या कष्ट हो तो स्वयं भगवान आकर सहायता करते हैं, ये नाग देवी ने सिद्ध किया है। मैं आज से नागलोक में जा रही हूँ, आप लोगों को कोई भी कष्ट हो मैं आऊंगी, और नाग सुंदरी पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, वो हमेशा सुखी रहेगी। अपने भक्तों की सहायता करने के लिए मैं उनके आसपास ही रहूंगी। हमारे भक्तों का शुभ हो।